अर्धनारीश्वर हैं, अनंत रत्न राशियों के स्वामी होते हुए भी भस्म विभूषण हैं, जिन्होंने भयभीत देवताओं की प्रार्थना पर हलाहल को विष को अमृत के समान पान कर लिया, जिनके समान ना कोई दाता है, ना तपस्वी है, ना ज्ञानी है और ना ही कोई त्यागी है, जिनके आवास कैलाश का वर्णन करते हुए माँ शारदा स्वयं थक जाती है, जो महादेव है, देवाधिदेव है, जिन्हें उनका आशीष प्राप्त हो जाता है, उनका जीवन भक्ति के रंगों से रंग जाता है, उनका जीवन सदैव ही विजयी हो जाता है। भगवान शिव जो नटेश्वर हैं, प्रियलंकर हैं, जो समग्र सृष्टि में समाये हुए हैं और प्रत्येक जन जिनके वो श्वास बनकर उनके भीतर रमते हैं, भगवान शिव जिस समय भक्तों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव देखे, उनकी कृपाएं देखी कि कैसे कैसे प्रभु ने लीला करके भक्तों के जीवन संवार दिए, उनके जीवन का उद्धार किया और भगवान शिव के ऐसे अद्भुत श्रृंगार को देखा, तो उनकी दीवानी रसना, उनकी महिमा गाए बिना नहीं रह पाई। क्योंकि एक भक्त होता ही ऐसा है, जिस समय वो अपने जीवन में प्रभु की अनंत कृपाओं को देखता है, अनंत लीलाओं को देखता है, तो फिर वो चुप नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु उसकी कृपा कोई साधारण नहीं होती मनुष्य पर, वो असाधारण होती है। तो फिर एक मानव असाधारण कृपा को, प्रभु की लीला को देखकर कैसे मौन रह सकता है, कैसे वो चुप रह सकता है, फिर वो प्रभु की महिमा को अपने जीवा से उसका गायन करता है। और आए हम सभी ऐसे गायन में सम्मिलित होते हैं, ये भक्त क्या गायन कर रहा है श्रवण करते हैं। शिव महिमा की ये रस धारा रे, ये रस धारा रे, देवत मन में हो जिया रे।